देखिए, मैं कांग्रेस हाईकमांड की सहमति से पक्का वहाँ से लड़ूंगा और जीतूंगा भी, और जीतूंगा ऐसे नहीं 15,000 वोटों से जीतूंगा मैं, और हमारी जीत सुनिश्चित है। पिछली बार एक साजिश के तहत हमारा टिकट काटा था और उनकी अपने आप बदनामी होगी जिन्होंने साजिश की है कि मेरा ये आखिरी इलेक्शन है। नौजवानों की बारी आएगी, काफ़ी नौजवान बच्चे हैं, जीतेंगे, इलेक्शन भी आने वाले टाइम है, ये तो मेरा आखिरी चुनाव है, आखिरी। मेरे से बड़ी उम्र के हैं, मैं आई डोंट वांट टू रिपीट हेयर, मेरे से 5-6 लोग हैं जो कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो जिताऊ कैंडिडेट को कांग्रेस टिकट देगी और उनमें से एक मैं भी हूँ। आज देश की कुछ बड़ी ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसे बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार है। अब देखिए, और माँ नहीं बोल सकते, माँ का मतलब है महंगाई के ऊपर एक शब्द नहीं कह सकते। आज हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, सत्यानाश कर रखा है और देश का बर्बादी जो है आपने जो है दिया। जनाब, आप एक गैस सिलेंडर में हमारे से 8,000 रुपये साल का निकाल लेते हो, तो 6,000 जो आप दे रहे हो वो उससे 14,00,000 बेरोजगार हो जाए, तो उस प्रदेश का और उस देश का क्या हाल होगा? आप इस बात को अपने आप समझ सकते हैं। तो ये जो कोरोना काल आया, वो उस दिन उस टाइम सस्पेंड हो रहा है, उस सेक्रेटरी का भाव सस्पेंड हो रहा है, कोई सस्पेंड हो रहा है, कोई सस्पेंड हो रहा है, तो महंगाई इसमें की बढ़ती हुई, पेपर लीक नहीं हुआ, पेपरों को बेचा गया और पेपर सेट करने लोगों को, मैं सच्ची बात करता हूँ, जिस तरह सऊदी अरबिया में या अरबियन देशों में दूसरे खंभे पर